नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका सुहाना किचन में। तो आज मैं रेसिपी जो शेयर करने वाली हूँ वो चाय मसाला की है। और चाय मसाला जो होता है सिर्फ चाय के टेस्ट को ही नहीं बढ़ाता है, ये हेल्थ के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। जैसे सर्दी खांसी या खाने में अरुचि हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, इस तरह का प्रॉब्लम है, तो इस तरह का चाय आपको हेल्प कर सकता है। तो चलिए क्या क्या लिया है आप वीडियो में एक बार देख लें। तेज पत्ता 2 लिया है, सूखी अदरक यानी सोंठ लिया है 3 बड़े टुकड़े, जायफल लिया है जावित्री 10-12 लिया है, काली मिर्च 10-12 लौंग, 15 से 20 छोटी इलायची, 5 बड़ी इलायची, सौंफ लिया 1 बड़ा चम्मच, 1 लिया स्टार फूल और 2 बड़े दालचीनी। और अब हम लोग करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, कढ़ाई को फुल फ्लेम पे गरम करेंगे। जब वो अच्छे से गरम हो जाए तो लो करके सारे मसालों को डालेंगे, सिर्फ जायफल और हम लोग जो सौंठ यानी सूखी अदरक है उसको छोड़ देंगे, उसको अभी हम लोग नहीं भूनेंगे। और बस इस तरह से इसको लो फ्लेम पे हम लोग 15 मिनट से 17 मिनट तक करीब करीब, या एकदम अच्छी एक खुशबू आने लगे, करीब करीब 15 मिनट से 17 मिनट के बीच आ ही जाती है, तो उस तरह से आप इसको भूने लो फ्लेम पे। थोड़ा पेशेंस धैर्य से काम को इसको करना होता है, तो पेशेंसली इसको करना है। और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको निकाल देंगे। देख, तेज पत्ता 2 लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कर लिया है, उसको हम लोग ताकि उसको पीसने में आसानी हो, जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसको हम लोग भून रहे हैं और देखिए अच्छी खुशबू करीब करीब अब आने लगी है। तो अब हम लोग इसको निकालने के प्रोसेस पे चलेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जो भी फ्लेवर आपको चाय में ज़्यादा पसंद है वो आप अपनी मर्ज़ी से उसमें आप ज़्यादा रख सकते हैं। अब देखिए सारे मसालों को निकाल लिया है और जायफल और अदरक डाला। देखिए अदरक की मात्रा मैंने यहाँ ज़्यादा रखा, यानी सोट सूखा अदरक, ऐसे जो मार्केट में मिलती है वो अदरक नहीं है, सूखी मार्केट में मिलती है, सोंठ बोलने से मिल जाता है। तो बस उसको 17 से 18 मिनट में, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा देर उसमें लगता है इसलिए उसको अलग से भूना है, उसी तरह लो फ्लेम पे। और 18 मिनट होने के बाद आप सारे मसाले जो मैंने पहले भुना है उसे वापस डाल दिया है लो फ्लेम पर ही। और अब हम लोग 4 से 5 मिनट तक इसको और भुनेंगे और गैस को बंद कर देंगे और 2-4 मिनट ऐसे ही उसे कढ़ाई में रहने देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट और एक बात है कि जो भी आप मिक्सी में पीसे, मिक्सी एकदम सूखी होनी चाहिए। और मिक्सी में सारे मसालों को डालकर दरदरा पीस लिया है, मिक्सी को आप बार बार बंद करके स्टार्ट करके पीसेंगे तो इस तरह से दरदरा जैसा वीडियो में देख रहे पीसले, एकदम महीन पाउडर नहीं करना है। और इसका बनाने का प्रोसेस है, इसको एक एयर टाइट डब्बे में आप रखें और 1 महीने तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए इतना ले जितना भी मैंने चम्मच में आपको दिखाया है, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, 4-5 कप के लिए इतना काफ़ी है। आप इसमें डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और हेल्थ के लिए भी एक बार ज़रूर